बाबुल सुप्रियो के सांसद व मंत्री बनने के पश्चात कई सामाजिक संगठन व शिक्षा संगठन के साथ अन्य कई लोग उनको बधाई देने उनके निवास स्थल पहुंचे। सब देंगे भैया, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए थे। वहाँ पे जो घटना घटी है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंपैशन की कमी तो है पुलिस में यहाँ की। मन थोड़ा सा ख़राब था, मैं सोच रहा था कि किस तरीके से उसको हैंडल करें, कुछ लॉयर से भी डिस्कशन करना है, लेकिन बाद में लोग आए, सब मिल रहे हैं और जीत की खुशी जो है हम सब आपस में बांट रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत क्या कहूँ, बहुत सेटिस्फाइंग एक मोमेंट है, हम्बलिंग मोमेंट है। और ये जीत मैं इन्हीं सब लोगों को डेडिकेट करता हूँ जो ज़मीन पे तृणमूल के संतराश, उनके जो नाइंसाफ़ी लोगों पे उन्होंने किया है, उसके खिलाफ़ जिन्होंने लड़ाई की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले 5 सालों में जो सांविधानिक पोस्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, बंगाल सरकार के, बंगाल सरकार बोलने में भी कभी कभी जो है शर्म आती है, तो बंगाल सरकार नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उस तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफिस को यूज़ करते हैं। तो यही है, लोगों के साथ खुशी बांट रहे हैं, थोड़ा मिठाई वठाई बांटा जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक ही जगह से दूसरी बार जीतना जो है वो अपने आप में बहुत सारे चुनौती, बहुत सारे चैलेंज ये वो, बहुत अशुभ भाषा यूज़ किया गया था, बहुत सारे बोला। तो यही कहूँगा कि लोगों का प्यार जब हो ना तो हमको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लोग सिर्फ सामने खुल के आए नहीं हैं इस बार, जो आप पूरे बंगाल में अगर देखेंगे तो ये बीजेपी के उत्थान के साथ साथ ये लोगों का एक जन जागरण हुआ है। जो अमित शाह जी का जो लास्ट जो रैली था, जो लास्ट रैली उन्होंने किया, उसमें आप देखेंगे ये ममता दीदी को मूर्ति तोड़ने का जघन्य हरकत जो है वो उन्हें करना पड़ा पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि वो देख के हिल गए थे कि कोई बीजेपी, कोई पर्टिकुलर दल नहीं, पूरे बंगाल के लोग जो है सड़क पे आ गए थे, वो इस असली परिवर्तन जो है बंगाल में वो देखना चाह रहे हैं, और उस चाहत को जो है बहुत जल्द जो है बंगाल के लोग ही पूरा करके दिखाएंगे।